हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोग बहुत अच्छे। तो हम लोग गए थे आज पूजा करने के लिए। पूजा करके आ गए हैं। आने के बाद अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हल्ला होता है, इसलिए कुछ आवाज़ सुनाई नहीं देता होगा। तो हम लोग गए थे पूजा करने के लिए। पूजा करके आ गए, अब हम लोग आराम से यहाँ पर खाना बना रहे हैं। डायरेक्ट खाना ही बना ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा लेट हो गया है पूजा के लिए। उसके बाद हम लोग मेरे भाई को लेके गए थे अस्पताल, वहाँ से आए हैं। आने के बाद आपका तो टाइम है नहीं, ख़त्म हो गया, तो डायरेक्ट खाना ही बना ले रहे हैं। खाना बनेगा, उसके बाद तो चावल बनाएंगे और कुछ भी एक सब्जी वब्जियाँ बना लगी। वहाँ पर बहुत दिक्कत रहता है, इसमें बनाने में बहुत दिक्कत होता है और उतना आइडिया भी नहीं है, बहुत परेशानी होता है। अब जो भी है तो इसी में खाना बन रहा है और खाना बनने के बाद फिर खाएंगे, कपड़ा धोएंगे। और सोच रहे हैं आज एक और काम है, वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद कल फिर जाना है, परसों फिर ब्लड टेस्ट होगा। उसके बाद परसों फिर 27 को ब्लड टेस्ट होगा। उसके बाद किस लिए ब्लड टेस्ट होगा वो आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद फिर 28 को फिर उसका सिटी स्कैन फिर से होगा, सिटी स्कैन होगा। उसके बाद फिर 1 तारीख को हेड एंड सर्जरी से मिलना है उसका बायोप्सी के लिए। फिर ऐसे तो बायोप्सी 2 बार हो चुका है और फिर बायोप्सी होगा। उसके बाद फिर देखते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग को अभी बहुत लंबा टाइम यहाँ पे रहना है फ्रेंड्स, और बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा। आप लोग से पहले हम शेयर नहीं किए थे, मेरा भाई का पहले भी ऑपरेशन हो चुका था। 12 अक्टूबर को ऑपरेशन हुआ था। तो हम लोग आप लोग देखे होंगे, बीच बीच में हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। इसलिए नहीं डाल पा रहे थे क्योंकि मेरा भाई का पहले भी ऑपरेशन हुआ था 12 अक्टूबर को। तो हम लोग फर्स्ट सेप्टेम्बर से ही बहुत परेशान थे, बस हॉस्पिटल का ही चक्कर लगा हुआ था। उसके बाद पूरा फरवरी तक मेरा भाई का ट्रीटमेंट चला। उसके बाद 2 मंथ एकदम ठीक रहा, बहुत अच्छा था। उसके बाद फिर अचानक से सडनली इसका बहुत ज़्यादा दिक्कत स्टार्ट हो गया, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। वहाँ का डॉक्टर बोला फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो लोग बड़ा डर गए। फिर हम लोग कोई उनको सजेस्ट किया, फिर हम लोग यहाँ पर लेके आ गए। यहाँ का डॉक्टर बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब भगवान का दया, मतलब अब ऊपर वाले का पैसा रखे, बस भगवान से यही दुआ करते हैं, सारा भगवान के हाथ में। भगवान जी ज़रूर अच्छा करेंगे, क्योंकि अभी तो मेरा भाई का थोड़ा सा पहले तो बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब था, और अब बहुत, मतलब अभी कुछ सुधार है, अभी ठीक है। और भगवान से यही सोचते हैं भगवान जल्दी से ये ठीक हो जाए और खुशी खुशी हम लोग घर जाएँ। नहीं आए हैं यहाँ पे, और जो भी है पता नहीं फ्रेंड्स आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत ही यहाँ पे शोर है, ज़्यादा चिल्ला के नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे पूरा यहाँ से वहाँ पेशेंट ही रह रहा है। बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे चावल बन रहा है, वहाँ पे भुजिया काटे हैं।
सो गए थे, सो के उठे हैं और अभी जाएंगे हम लोग सब्जी वब्जी ले, कुछ नहीं है तो लेने के लिए जाएंगे। बाकी सब अभी ठीक है, कल को जाना है हॉस्पिटल। तो अभी थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा चेंज करके जाएंगे कुछ कुछ सामान लेने के लिए, और दवा भी लेना है और ड्रेसिंग के लिए भी सामान लेना है। तो ज़्यादा हम लंबा वीडियो नहीं बना पाएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से। और सारा चीज़ और बहुत सारा चीज़ बताना है, तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें।